नमस्कार। रबी फसलें हमारी लगभग निकल गई हैं। हमारे कोटा क्षेत्र में मौसमी हालातों की वजह से बहुत अच्छी उपज तो नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे भाग्य में था और हमारे जितनी मेहनत की उतना हमें मिला, खासकर लहसुन के अंदर कुछ काश्तकारों को काफ़ी फायदा मिला वीडियो एडवाइजरी का भी, जिन लोगों ने खासकर फरवरी स्टार्टिंग और मार्च स्टार्टिंग में अपनी फसल बचा ली, क्योंकि दोनों समय ऐसा मौसम बना कि जो लहसुन के लिए बहुत नेगेटिव था, उनको लहसुन की अच्छी उपज भी मिली है। इस साल हम भाव भी ठीक है, पर फसल निकाल ली है, गर्मी है, हमें बैठना नहीं है। मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस गर्मी में आगे खासकर आपको लहसुन करना है। जब हम बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, तो ये बात भी आती है कि अगली साल भी लहसुन का भाव ठीक रहेगा, क्योंकि बीज महंगा रहेगा तो लहसुन के भाव उतना लहसुन नहीं लगेगा तो भाव ठीक मिलने की उम्मीद है। लहसुन या कोई भी आप फसल करें, वो आप प्लीज़ उसमें कार्बनिक खाद डालें, गर्मी में व्यवस्था करें। आप सड़ी गोबर की खाद कहीं से अरेंज कर सकते हैं, सस्ती आपको मिल रही है, पोल्ट्री की खाद मिल रही है, कहीं से भी आपका अरेंजमेंट हो रहा है सस्ते के अंदर, तो आप ऑर्गेनिक मैटर डालें, कार्बनिक खाद डालें, उसका कोई तोड़ नहीं है। लगातार ऑर्गेनिक मैटर कम हो रहा है, एक एक फसलें हम लेते हैं, इससे ज़मीन में जो उसकी जो नॉर्मल प्रॉपर्टी है वो भी ख़त्म होने जा रही है। और आप इस चीज़ को शायद जानते होंगे कि मिट्टी पूर्ण जब होती है आपकी, जब उसमें कार्बनिक खाद हो, उसमें 15% मिनरल मैटर होता है, जो चट्टानों का बारीक पाउडर है, ये जो देख रहे हो ये पाउडर है, चट्टान का पाउडर है, बारीक पाउडर है, और इसमें 5% होता है आपका कार्बनिक पदार्थ, और 25% आपका होता है एयर स्पेस, और 25% होता है वाटर के लिए स्पेस। एयर वाटर वाला जो 50% टोटल होता है, ये इंटरचेंजेबल होता रहता है, और ये तब अच्छा रहता है जब आपकी जमीन में कार्बनिक पदार्थ होता है। दिखने को तो ये कार्बनिक पदार्थ 5% है, सॉइल में सबसे कम है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल यही प्ले करता है। कार्बनिक पदार्थ ठीक है तो जो इसी कार्बनिक पदार्थ में ही माइक्रोब्स आते हैं, सोयल माइक्रोब, सूक्ष्म जीव, वो भी अकार्बनिक पदार्थ ठीक है तो ठीक होंगे। इसलिए मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कार्बनिक पदार्थ ऐड करें। अब आप सोच रहे हो मैं ऊटी का लहसुन करूँगा कि ये फसल करूँगा वो करूँगा, जो भी करना आपको कार्बनिक पदार्थ ऐड करें। और मैं स्ट्रॉन्गली एडवोकेट करता हूँ, यदि आपके पास पानी की व्यवस्था है तो आप ग्रीन मैन्योरिंग करें, हरी खाद करें, ढेचा या सनी, दोनों में से किसी एक की आप हरी खाद करें, जिसका बीज मिल जाए उसकी करें, आसपास से खरीद ले, कोई वैरायटी का कोई झंझट नहीं है, हमें उस फसल को उगाना है और ज़मीन में पलट देना। हरी खाद पे मैंने कोई 50 वीडियो बना रखे हैं, आप मेरे चैनल पे डिटेल में जाके देख सकते हो। प्लीज़ आप हरी खाद करें, सनी ढेचा की, या कोई भी और माध्यम से आप ऑर्गेनिक मैटर ज़मीन में ऐड करें, इसका कोई विकल्प नहीं है, ना DAP, ना यूरिया, ना SSP, ना माइक्रोन्यूट्रिएंट, या ना वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर, ना महंगे फंजीसाइड हो, ना महंगे इंसेक्टिसाइड, या ना आपकी कोई जाइम की बोतल, कोई भी तोड़ नहीं है कार्बनिक पदार्थ का। और आप ये मतलब जितना अच्छे जितना जल्दी समझ जाए उतना ठीक है, अदरवाइज ऑर्गेनिक मैटर नहीं होगा तो इतनी टाइप की प्रॉब्लम होंगी कुछ तो हमारी समझ में ही नहीं आएंगी, और उनका सोल्यूशन देने के लिए प्राइवेट कंपनी आएंगी, पैसा बनाएंगी और निकल लेंगी। इसलिए सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका यह है हमारी ज़मीन को ठीक करने का, कि हम कार्बनिक पदार्थ डालें, गोबर डाल दीजिए ना, सड़ा गोबर यदि आपको मिलता है, सस्ते में मिलता है तो वो डाल दीजिए, पानी की व्यवस्था तो आप ढेचा कर लीजिए, सनी कर लीजिए, और आप उसे कुछ भी नहीं बन पा रहा है ना, तो अपने कुल रकबे का 10-20% जहाँ मोनोक्रॉपिंग हो रहा है उस एरिया में बारिश के टाइम ही आप ढेचा की फसल डाल दीजिए ना, ढेचा डाल दीजिए, उसको पलट दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। नमस्कार, जय हिंद।